हेलो फ्रेंड्स, जो आप बीएड में असाइनमेंट बनाते हैं, ये आपका फर्स्ट सेम का फिलॉसफी का है कि फिलॉसफिकल उसमें आप कैसे बनाएंगे अपना असाइनमेंट। तो देख लीजिए, एक टॉपिक आपने लिया है जो कि स्वामी विवेकानंद है। इसमें उनके बारे में आप बता रहे हैं, उनके शैक्षिक विचार बताएंगे। इसके बाद उनकी भूमिका क्या है वो बता रहे हैं, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था उसके बारे में बताएंगे, देन स्वामी विवेकानंद का कार्य एवं जीवन दर्शन बताएंगे, फिर स्वामी विवेकानंद की जो यात्राएं हैं इन्होंने उसका वर्णन भी किया है, इसके बाद स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन है, शिक्षा का विवेकानंद जी के अनुसार अर्थ क्या है वो बताया गया है इसमें, फिर आपका शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, ये जिस इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सारा का सारा विवेकानंद जी के अनुसार ही बताया जा रहा है कि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य अपने अकॉर्डिंग क्या दिए हैं, शिक्षण की विधियां क्या बताई हैं और अनुशासन क्या बताया है, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसे होने चाहिए और शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष भी उन्होंने बताए हैं, तो वो कैसे होने चाहिए वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, और लास्ट में जिसको आप कॉन्क्लूज़न कहते हैं वो उपसंहार इसमें आप बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इसका असाइनमेंट हुआ। और असाइनमेंट क्या है तो ये आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसको उसके बारे में मैंने बताया कि आप जो असाइनमेंट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे और कितना उसमें होना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वाली वीडियो में असाइनमेंट की बनाई बताई हैं। ओके, थैंक यू।